सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 डिस्कस करेंगे। तो इस प्रॉब्लम में दिया क्या है, इसमें एक बुलेट है जिसका मास है स्मॉल m और उस बुलेट की वेलोसिटी है कैपिटल v, और यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है कैपिटल m और ये ब्लॉक जो है वो इनिशियली एट रेस्ट पे है। तो इसमें हो क्या रहा है कि जैसे ही बुलेट को फायर किया जा रहा है तो ये बुलेट जो है इस ब्लॉक के अंदर एम्बेड हो जा रही है, और एम्बेड होने के बाद ये सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, और जैसे इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसके बाद फाइनली जो ये ब्लॉक है ये रेस्ट पे आ जाएगा। तो इस प्रॉब्लम में इस बुलेट का वेलोसिटी पूछा है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट इन टर्म्स ऑफ इट्स मासेस एंड अदर पैरामीटर्स, और ये जो म्यू है दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस ब्लॉक एंड ग्राउंड, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये इक्वेशन यूज करेंगे। सो इक्वेशन क्या है कंजर्वेशन का, एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इज इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू। यू वन एंड यू टू आर द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस बुलेट एंड दिस ब्लॉक, एंड वी वन एंड वी टू आर द फाइनल वेलोसिटी ऑफ दिस बुलेट एंड ब्लॉक। सो एम वन इज एम, फिर इस बुलेट के लिए जो वेलोसिटी है इनिशियल वो है कैपिटल v प्लस ये इस ब्लॉक का मास है कैपिटल m, इसकी वेलोसिटी है जीरो क्योंकि ये इनिशियली रेस्ट पे है, इज इक्वल टू, अब क्या हो रहा है ये जो बुलेट है वो इस ब्लॉक में एम्बेड हो जा रहा है, तो एम्बेड होने के बाद क्या हो जाएगा ये कंबाइन हो जाएगा दोनों का मास और दे विल मूव विद द सेम वेलोसिटी। सो ये हो जाएगा स्मॉल m प्लस कैपिटल m इनटू वी डैश, ठीक है, मतलब ये जो बुलेट है ये इसमें जब एम्बेड हो जाएगा कुछ इस तरह से तो ये वी डैश के साथ मूव करेगा। सो यहां पे वी डैश क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम वी अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल m। सो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ दिस बुलेट प्लस ब्लॉक। अब ये जो फ्रिक्शन ये ग्राउंड और इस ब्लॉक के बीच में एक्ट हो रहा है इसकी वजह से क्या होगा कि इस सिस्टम का जो मोशन है इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, मतलब यहां पे क्या हो रहा है रिटार्डेशन हो रहा है। सो रिटार्डेशन मुझे फाइंड करना है, सो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ। सो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये ब्लॉक एंड बुलेट ये मूव हो रहा है ये डायरेक्शन में, ठीक है, और जो फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होगी वो होगी अपोजिट टू द मोशन और उसकी वैल्यू क्या होगी वो होगी म्यू इनटू एन। सो दिस इज अवर फ्रिक्शनल फोर्स, सो दिस इज म्यू और एन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन इंटू जी, क्योंकि इसका मास है स्मॉल एन और इसका मास है कैपिटल एन, सो ये वेट नीचे एक्ट हो रहा है सो नॉर्मल रिएक्शन विल बी सेम एज वेट। सो ये मुझे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मिल गई। सो अब ये जो फोर्स है उसको मैं यहां पे लिखता हूं, ये हो जाएगा माइनस में म्यू इंटू स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन इंटू जी इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम इज व्हाट स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू एक्सेलरेशन। अब यहां पे माइनस साइन मैंने क्यों लिया, क्योंकि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसका अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स एक्ट हो रहा है, सो इसके लिए मैंने यहां पे नेगेटिव साइन लिया। अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल हो गया, सो एक्सेलरेशन मुझे मिल गया माइनस में म्यू इंटू जी। सो ये इंडिकेट कर रहा है कि निगेटिव एक्सेलरेशन मतलब बॉडी का रिटार्डेशन हो रहा है। सो अब मुझे एक्सेलरेशन मिल गया। अब हम लोग अब अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ बुलेट फाइंड करना है तो हम लोग यूज करेंगे काइनेमेटिकल इक्वेशन, ऐसा इक्वेशन जिसमें वेलोसिटी हो एक्सेलरेशन हो और डिस्टेंस हो। सो उसका क्या फॉर्मूला है, वो है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, वी इज द फाइनल वेलोसिटी यू इज द इनिशियल वेलोसिटी। अब यहां पे क्या हुआ कि जैसे ही ये बुलेट इस ब्लॉक के अंदर एम्बेड हुआ वो टाइम पे इसकी वेलोसिटी थी वी डैश और फाइनली ये आ गया जीरो पे, तो जीरो इज माय फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी होगी वी डैश, जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो जाएगी जीरो इज इक्वल टू
इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी v डैश, ठीक है, v डैश का स्क्वायर प्लस टू, व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज माइनस म्यू इनटू जी और ये हो गया s. सो v डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू टू म्यू जी s. सो v डैश मुझे मिल जाएगा अंडर रूट टू म्यू जी s, ये मुझे मिल गया. फिर उसके बाद v डैश की वैल्यू यहां से मुझे मिल जाएगी. सो ये हो गया स्मॉल m इंटू कैपिटल v अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल m, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट टू म्यू जी एस. सो ये मुझे मिल जाएगा दिस इंटू टू म्यू जी एस. सो जो बुलेट की वेलोसिटी मिली वो ये हो गई. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन.